भारत की बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें पास करने के लिए विद्यार्थी सालों साल जी तोड़ मेहनत करते हैं। कठिन परिश्रम के बावजूद भी उन्हें कई बार मायूसी ही हाथ लगती है। छात्र इनमें से कुछ परीक्षाएं उनकी ड्रीम जॉब होती है जिन्हें पाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें पास करना उतना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। ये एग्ज़ाम सही मायने में बहुत मुश्किल है, इन्हें पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर आप ही बताइए कि आप इनमें से कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं या आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उन टॉप 10 एग्ज़ाम के बारे में जो कि आपको देने होते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 10 में 10वें नंबर पर आता है नेट एग्ज़ाम। जी हाँ, नेट का विस्तृत रूप होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एग्ज़ाम UGC के द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिलता है। ये परीक्षा उतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4 से 5 बार कोशिश करके भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये परीक्षा 94 सब्जेक्ट्स में की जाती है। जी हाँ, इस परीक्षा को क्लियर करना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन मुमकिन भी है अगर आप मेहनत करें तो। सेकंड, अगर हम 9th नंबर पे जाएं तो वो होता है CA एग्ज़ाम। जी हाँ, CA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA एग्ज़ाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। ये परीक्षा बहुत मुश्किल है और इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है। फाइनल सेमेस्टर, जिसे CA एग्ज़ाम कहा जाता है, बहुत कठिन होता है और फाइनल सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल 8% कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम में सफल हो पाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 8%। 8वें नंबर पर जिसने जगह हासिल कर रखी है वो है क्लैट का एग्ज़ाम। जी हाँ, क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था में रुचि है। ये लॉ की परीक्षा है। शायद आपको अब भारत के टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान मिल सकता है अगर आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो। एक आंकड़े के अनुसार हर साल 45,000 से ज़्यादा प्रतिद्वंदी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सीट बहुत कम होने के कारण इस परीक्षा को भारत की टॉप मुश्किल एग्ज़ाम्स में से माना जाता है। ये परीक्षा 2 घंटे की होती है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 7वें नंबर पर है NDA एग्ज़ाम। NDA का पूर्ण रूप है नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्ज़ाम आर्म्ड फोर्सेस की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। ये परीक्षा 12वीं के बाद ली जाती है। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है जिसमें आप भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक राउंड फिजिकल फिटनेस का होता है। आपको इसमें स्कोर के अनुसार इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स में नौकरी मिलती है। ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। हर साल लाखों कैंडिडेट्स NDA का एग्ज़ाम देते हैं जिनमें से कुछ 1,000 ही इसमें चुने जाते हैं। इतनी कठिन परीक्षा के लिए आपको ये पता लग जाता है कि कैंडिडेट की मेंटल फिजिकल एबिलिटी में वो कितना फिट है। 6 नंबर पर आते हैं IES एग्ज़ाम। जी हाँ, IES का पूर्ण रूप है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। IES का एग्ज़ाम भारत का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। ये परीक्षा भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे ही होता है। यह बहुत मुश्किल परीक्षाओं में से एक है क्योंकि इसमें 4 राउंड होते हैं। पहला जर्नल स्टडी, एप्टीट्यूड और ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर और तीसरा रिटन टेक्निकल पेपर और चौथा इंटरव्यू। राउंड क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। 4 राउंड क्लियर होने के बाद IES में सफल हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये परीक्षा देते हैं क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है और पैसे भी बहुत मिलते हैं।
फिफ्थ नंबर पर है आईआईटी जेई एग्ज़ाम। आईआईटी का पूर्ण रूप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जेई एग्ज़ाम इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में दो राउंड होते हैं, प्रीलिमिनरी और जेई मेन। यदि आप प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर कर लेते हैं तो जेई मेन में बैठ सकते हैं। इसमें लगभग हर साल 14 लाख परीक्षार्थी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें कुछ हज़ार ही जेई मेन क्लियर करते हैं। और आंकड़े के अनुसार देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस 0.71% होता है, जो कि बहुत कम है। आईआईटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होने के कारण एग्ज़ाम और भी टफ हो जाता है, इसलिए वो आईटी कॉलेज में सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। फोर्थ नंबर पर है कैट। जी हाँ, कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट एग्ज़ाम आईआईएम के लिए होता है। इसमें एग्ज़ाम पास होने वाले विद्यार्थी भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर वर्बल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर ध्यान दिया जाता है, और यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है। कैट एग्ज़ाम के स्कोर में मात्र आईआईएम ही नहीं बल्कि अन्य मैनेजमेंट कॉलेजेस भी एडमिशन देते हैं। अगर अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा परसेंटाइल लाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे टॉप थ्री में आता है सबसे पहले थर्ड पे गेट। जी हाँ, गेट एग्ज़ाम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। यदि बात की जाए तो गेट एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बीसीए, एमसीए, एमएससी के स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आईआईटीज के द्वारा लिया जाता है। गेट एग्ज़ाम के फ़ायदे की बात करें तो पीयूएस यानी कि पब्लिक अवेयरनेस ऑफ साइंस में सिलेक्शन और एमटेक एमएस करने का मौका मिल सकता है। यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको सरकार पढ़ाई के लिए हर साल और हर महीने आपको 12,000 रुपये स्टाइपेंड भी देगा, और बड़ी बड़ी कंपनीज में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावनाएं भी बन जाती है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गेट एग्ज़ाम के द्वारा टेस्ट आपको एडमिशन मिलता है। टॉप टू में दूसरे नंबर पर आती है एम्स पीजी एग्ज़ाम। जी हाँ, जिसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था। एम्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और एम्स पीजी की परीक्षा के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये मेडिकल का सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्स की पीजी एग्ज़ाम और भी मुश्किल है? डॉक्टरी में पीजी एग्ज़ाम मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए होता है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि इसमें केवल 124 सीट ही हैं। ये परीक्षा साल में दो बार दी जाती है, और ये बात पढ़ते ही आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें 25% सीट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी सीट्स जो है वो आरक्षण वालों के लिए। आरक्षण में जीत जाने के कारण इस परीक्षा को मुश्किल बताया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरीज में बहुत कॉम्पिटिशन करके अपनी मेरिट पर एक सीट हासिल कर सकता है। और नंबर वन पर जिसने जगह हासिल कर रखी है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम। जी हाँ, यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये एग्ज़ाम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सही मायने में बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में रिटर्न राउंड और वाइवा दोनों होते हैं। आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10 लाख छात्र ये एग्ज़ाम देते हैं, और सिर्फ 0.1% और 0.7% तक ही इसमें पास हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी है उन टॉप 10 एग्ज़ाम्स की, जिनके बारे में जानना आपका ज़रूरी था, जिनको पास करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मेहनत करने से अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि इनमें से आप कौन सी जॉब पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।